नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना नलिनी श्रेष्ठ खबरों की मुहिम में हमारे साथ जुड़ी है। आजकल जैसा हम देखते आ रहे हैं कि हमारा भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील को मानकर घर में पूरी तरीके से लॉकडाउन होकर इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या एक घर एक व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या है जन जन की। और हमें इसकी कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, और इस सोशल डिस्टेंस से वो लोग जो बहुत करीब के हैं बहुत परेशान हैं आजकल। कोई बात नहीं, इस समय का हम सदुपयोग करते हैं। कैसे करेंगे? घर में रह के सन्मुख मत होइए, मनमुख होइए, स्वयं के अंदर से कुछ खोजिए और अपने अंदर के कलाकार को, अपने अंदर के कवि को, अपने अंदर के चित्रकार को बाहर निकालिए और रंग डालिए सारी दीवारें, बना डालिए खूब अच्छा अच्छा पकवान। और तो आजकल हम देख रहे हैं कि घर घर स्टूडियो खुल गए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, और सोशल मीडिया इतना हैवी हो गया है कि कोरोना वायरस भी परेशान हो गया है उससे, क्योंकि उसकी खबर से ज़्यादा नृत्यकार, संगीतकार और अपने पता नहीं क्या क्या काव्य लिख के भेज रहे हैं। चलिए, अच्छा है कुछ तो समय मिला, क्योंकि इस समय को हमें सकारात्मक तरीके से उपयोग में लाना है। ये समय के लिए तो हम तरसते थे, कुछ समय मिल जाए हम कुछ काम करें, ये कर लें वो कर लें, अब मिला है तो इसका सदुपयोग करिए। हम देखते आ रहे हैं शुरू से कि कोरोना वायरस अपने नए नए रूप में आ रहा है, ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो हमें भी इसको हाथ धो धो के भगाना है। जब भी हम कोई बाहरी चीज छूते हैं उसके बाद हमें हाथ धोना आवश्यक है, और मुंह के ढक के रखिए, वैसे भी आप पहचान में नहीं है और कोई दूसरा ना पहचाने तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हम जब भी दूसरे कलाकारों को देखते हैं जो आजकल वेस्टर्न स्टाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरे की संस्कृति को देख रहे हैं और धीरे धीरे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उनके लिए एक गौरवान्वित चीज है हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को समझ पाए हैं इस दौर में, क्योंकि हमें समय मिला है। हम दूर की चीज़ तो देखते हैं, पास की चीज़ तो अपनी है, कभी भी देख लेंगे ऐसा सोचते हैं। जो संस्कृति हमारी है वो हमारी है, हम उसको इग्नोर करेंगे वो हमसे रुष्ट होकर दूर हो जाएगी। हमारी दो पंक्तियाँ आपके लिए हैं। कहते हैं, शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया। हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता, क्योंकि रास्ते गवाह होते हैं सदियों के। हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था, कहाँ चला गया। अपनी संस्कृति को पहचानिए और पुनः लौट आइए अपने अंदर, अपने भारत में। हमें सौभाग्य मिला है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नेतृत्व मिला है एक ऐसे प्रधानमंत्री का जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देशवासियों को इस कठिनाई से, संक्रमण से बचाने के लिए प्रयत्नशील है और नित्य संघर्ष करते आ रहे हैं। संघर्ष पे मुझे याद आई कुछ कविताओं की पंक्ति, कहती है, नित्य जीवन के संघर्षों से यदि टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समुन्दर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जब चीज हो जाती है उसके लिए व्यर्थ आप कहें तो कोई फायदा नहीं है। जब फसल सूख कर बिन जल के तिनका तिनका हो गिर जाए, फिर बात हुई उस वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आजकल हम देख रहे हैं कितने व्यवहार में कटु वचन आ रहे हैं, वाणी से बाढ़ चलाए जा रहे हैं, जिससे दूसरे लोग उससे प्रभावित होके कुछ रिएक्शन दें, लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य है। कहते हैं, मन कटु वचन से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे मधुवचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंत में जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे कह रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, और आपके गलत व्यवहार के विपरीत भी हमारे डॉक्टर्स आपकी सहयोग कर रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, यही हमारी चाह है। कहते हैं, सुख के साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन भी सब सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें संभलना है और बहुत संभल संभल के चलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से विजयी हों
और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने एक आशा का दीपक जो विश्वास के साथ जगाया था वो अभी भी प्रज्वलित है और वो जलता रहेगा, वो हमें प्रकाश देता रहेगा, दिशा देता रहेगा। एक लग्न, एक विचार, एक देह से जब हम सब मिलजुल के अग्रसर होंगे तो क्यों नहीं विजय होंगे, अवश्य विजय होंगे। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलेंगे एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ विचार और एक अच्छे मन के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नित्यांग होने के नाते हमारी अभिव्यक्ति की भाषा सदैव निर्थी रहती है। आपको समर्पित है ये दोहा।